औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफिये से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर कबीर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग जो है वो नाइन्थ साइंस मैथमेटिक्स की जो है ना वो चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.2 को हल करेंगे, जिसमें कि उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें वो कहता है कि अगर आपके पास ए प्लस बी इज़ इक्वल टू हो 10K, ए माइनस बी इज़ इक्वल टू हो 6K, तो कहता है कि आपने कीमत मालूम करनी है, ए की 2 प्लस बी की 2 की कीमत आपने मालूम करनी है। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी स्टूडेंट, उसमें मैंने आपको अलजेब्रिक फार्मूलाज के बारे में बताया था कि अलजेब्रिक फार्मूलाज जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और उसका क्या जो है ना वो रूल्स जो है ना उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो वो अलजेब्रिक फार्मूलाज जो हैं वो यहाँ पर पुट होने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर क्या पुट होगा, फार्मूला कौन सा देखें, हर अलजेब्रिक फार्मूला जो होता है ना उसी के अंदर उसका, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने यहाँ पर कौन सा फार्मूला पुट करना है, तो उसका आसान सा वे ये होता है कि आप लोग सवाल को देखें ध्यान से, उसमें जो जो सी चीज़ मौजूद है यानी जो गिवन है और जो टू रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो मालूम करनी है, वो देखिए कि वो तीनों दोनों चीज़ें जो हैं वो किस फार्मूले के अंदर जो है ना मौजूद हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ पर आपके पास है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये गिवन आपको है और मालूम आपने करना है ए की 2 प्लस बी की 2। ठीक है, अब इसमें कौन सा फार्मूला हमारे पास पुट होगा, हम यहाँ पर कहेंगे कि एज वी नो डैट कि ए प्लस बी का होल स्केयर प्लस ए माइनस बी का होल स्केयर इज़ इक्वल टू आपके पास होता है 2 इंटू ए की 2 प्लस बी की 2 के। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला यहाँ पर पुट होगा। ठीक है जी, अब a प्लस बी की कीमत आपके पास स्टूडेंट्स कितनी है 10, तो 10 का स्केयर आ जाएगा, a माइनस बी की कीमत कितनी है आपके पास 6, तो 6 का स्केयर आ जाएगा, 2 इंटू ये आगे हो जाएगा a की 2 जमा b की 2 के। ठीक है, ये आपने मालूम करना है। अब 10 का स्केयर आपके पास होता है 100 और 6 का स्केयर आपके पास होता है 36, तो बराबर 2 इंटू ए की 2 जमा बी की 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 100 प्लस 36 इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 136 और इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए की 2 प्लस बी की 2 के। ठीक है, हमने बेसिकली कीमत मालूम करनी है इसकी, तो ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो इसको आप लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ए की 2 प्लस बी की 2, अब इसको आप लोग कटिंग कर लें, 2 1 2, 2 6 12 और 2 8 16, यानी a की 2 जमा b की 2 आपके पास बराबर आ जाएगा 68 के, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह से जो इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है आपके पास, उसमें वो क्या कहता है, पार्ट नंबर 2 उसमें वो कहता है कि अगर आपके पास a प्लस बी इज़ इक्वल टू हो 5K और a माइनस बी इज़ इक्वल टू हो आपके पास अंडर रूट 17K, तो आपने मालूम करना है ए बी। ठीक है, जैसे मैंने सवाल नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बेटे बताया था कि आपने जो सा भी अलजेब्रिक फार्मूला पुट करना है उसमें आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि गिवन आपको वैल्यूज़ कौन सी हैं और रिक्वायर्ड वैल्यूज़ कौन सी हैं। ठीक है, उसमें जो गिवन और रिक्वायर्ड दोनों को मिला के जो अलजेब्रिक फार्मूला बनता होगा वो यहाँ पर आपने पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फार्मूला पुट करेंगे, एज वी नो डैट जैसा कि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्केयर माइनस a माइनस बी का होल स्केयर बराबर होता है आपके पास 4 ए बी के। ठीक है, देखें सवाल के अंदर गिवन के अंदर हमें a प्लस बी की कीमत थी और हमारे पास a माइनस बी की कीमत थी, ये दोनों कीमतें इस फार्मूले के में मौजूद हैं और जो मालूम करनी थी हमने वो 4 जो है ना a b की कीमत मालूम करनी थी वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो a प्लस बी का a प्लस बी की जो हमारे पास कीमत है वो है हमारे पास 5, तो 5 का स्केयर आ जाएगा और a माइनस बी की जो कीमत हमारे पास है वो है 17, तो वो भी इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, 4 ए बी की आपने कीमत मालूम करनी है। अब 5 का स्केयर आपके पास स्टूडेंट्स होता है 25 और इसका स्केयर इसके रेडिकल से कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा 17। ठीक है, इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4 ए बी के, 25 में से जब हम 17 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 18। ठीक है, इज़ इक्वल टू 4 ए बी के। ठीक है जी, आपने बेटे 4 ए बी की कीमत मालूम करनी है, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो उसके बाद उसको काट दें आप लोग, 4 1 4 और 4 2 8, तो ए बी की कीमत आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है जी,
यहाँ तक आपका जो है ना वो क्वेश्चन नंबर वन यानी कि क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर वन भी और पार्ट नंबर टू भी जो है ना वो हल हो गया, ठीक है। अब इससे आगे जो है ना हम लोग क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर वो हमसे क्या कहता है और उसमें हमने क्या जो है ना वो कीमत मालूम करनी है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर टू देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर वो कहता है कि अगर आपके पास इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 45 के, ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू माइनस वन के, तो देन कीमत आपने मालूम करनी है बेटे यहाँ पर ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की कीमत आपने क्या करनी है मालूम करनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पर तीन वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, ए की दो जमा बी की दो जमा सी की दो, जो के बराबर आपके पास है 45 के, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपके पास है माइनस वन के, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी कीमत आपने मालूम करनी है, तो इसके लिए हमारे पास अलजबरी फार्मूला कौन सा होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की टू प्लस बी की टू प्लस सी की टू प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है जी। अब ये वाला फार्मूला इसके अंदर पुट होगा, इसकी कीमत आपने मालूम करनी है, ठीक है। नहीं सॉरी, इसकी कीमत दी हुई है हमें, तो इसकी कीमत हम लोग माइनस वन पुट कर लेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की कीमत आपके पास है 45, ठीक है। तो आगे वाली कीमत में से आप लोग दो कॉमन ले लें, तो अंदर रह जाएगा ए बी जमा बी सी जमा सी ए, ठीक है जी। माइनस वन का स्क्वायर आपके पास स्टूडेंट्स वन के बराबर ही होता है, इज इक्वल टू 45 प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है जी। अब ये दोनों कीमतें आपने प्लस नहीं करनी, क्योंकि ये वाला जो दो है ये इस ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस 45 को उठाएंगे और इधर इसको ले आएंगे, ठीक है। तो 2 इंटू आपके पास आ जाएगा ए बी जमा बी सी जमा सी ए, ठीक है जी। अब 45 में से आप लोग जो है ना वो 1 माइनस कर दे, तो आपके पास आएगा 44 और 2 इंटू ए बी जमा बी सी जमा सी ए आ जाएगा, ठीक है। हमने कीमत मालूम करनी है इसकी, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 वन द 2, 2 टू द 4, 2 टू द 4, तो ए बी जमा बी सी जमा सी ए आपके पास बराबर आ जाएगा माइनस 22 के, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर इसका 3, 4 और 5 है वो सेम इसी पैटर्न के ऊपर होंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 की बुनियाद के ऊपर ही जो है ना वो क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखें इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है अगर आपके पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 के हो और एक्स वाई आपके पास बराबर हो 12 के, तो एक्स की 3 जमा वाई की 3 की कीमत आपने मालूम करनी है, ठीक है जी। अब इसमें कौन सा फार्मूला हमारे पास पुट होगा, इसमें हमारे पास फार्मूला पुट होगा कि एज वी नो डैट कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू आपके पास होता है बेटे एक्स की 3 जमा 3 एक्स वाई इन टू एक्स जमा y जमा y की 3, ठीक है जी। इसमें ये वाला फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूला ये वाला पुट होगा, ठीक है। अब x जमा y की कीमत आपके पास है 3, तो 3 जो है ना 7, तो 7 का क्यूब आ जाएगा। आगे x की 3 जमा y की 3 की कीमत आपने मालूम कर लेनी है, ठीक है जी। तो 3 इंटू एक्स वाई है, तो एक्स वाई की कीमत कितनी आपके पास 12 और x जमा y की कीमत 7, ठीक है, प्लस y की पावर सॉरी ये आप लोग इसमें यहाँ पर नहीं पुट करेंगे, ठीक है जी। अब 7 का स्क्वायर क्यूब आपके पास किसके बराबर होता है, 7 7 द 49, और 49 को जब आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 343, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 343 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, ठीक है। 312 द आपके पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 36, और 36 को आप लोग फिर से 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 7 6 तो आपके पास 42 हो जाएगा, उसका 2 और ऊपर कैरी 4 आ जाएगा, ठीक है। 7 3 21 और 21 और 4 25, ठीक है। तो 250
टू आ जाएगा, ठीक है जी। एक्स की थ्री प्लस वाई की थ्री इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 343 के, ठीक है। अब 343 में से आप लोग जो है वो क्या कर लें, 242 को जो है ना माइनस कर लें, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इधर 9 आ जाएगा तो 91 आ जाएगा, ठीक है जी। यानी x की पावर 3 जमा y की पावर 3 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 343 माइनस 252, ठीक है, 252। और देन जब आप लोग इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 91, ठीक है। तो x की 3 जमा y की 3 आपके पास 91 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, उसमें भी सेम जो है ना वो 7, उसमें भी सेम यही फार्मूला पुट होगा, ठीक है। 8 वाले में जो है ना यही फार्मूला पुट होगा, बट उसमें फ़र्क किस चीज़ का आएगा, आपके पास जो है ना एक सिंबल का फ़र्क आएगा, और वो कौन सा सिंबल होगा, x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है आपके पास x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई, ठीक है। ये वाला इसके बराबर जो है ना कुलिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी 8 में ये वाला पुट होगा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8, और 9 के अंदर भी सेम यही पुट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक जो है ना हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है ना हमने 4.2 एक्सरसाइज जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है ना हल कर लिए, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना इन सवालात की समझ आ गई होगी और इनमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी तौर पर कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।